लाखों मार देगा बेटा। चीर हरण कर इसका। इतना लंबा चल के हमें लेने आती हो? अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम खुद से घर आ सकते ना। इतना सुनसान रास्ता है, कुछ महीने पहले कितना बड़ा हादसा हुआ था यहाँ। ना बाबा, हमको तो बहुत ही डर लगता है। माँ, ऐसा करो, आप हमें साइकिल दे दो, दो पहिए में चलने का मजा ही कुछ और है। तुमको भी पीछे बैठा के घुमाएंगे हम। अच्छा, पहले जिंदगी तो रास्ते पे आ जाए, तब ना पहिया घूमेगा। पता नहीं तुम्हारे पापा कौन सा फेर में पड़े, ना खेती के रहे ना कोनो और काम काज के। अम्मा, मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ, पूछो। दादा दादी ने हमें काहे अलग कर दिया? अंजना बेटा, दादा दादी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तेरे पापा को और हमको खुद ही अपने पैर पे खड़ा होना होगा। इसी को तो जिंदगी का इम्तिहान बोलते हैं। का इम्तिहान हुआ दादा दादी हवेली में और बेटा बहू पोती इस फटीचर घर में, बरसात हो जाए तो छत से टप टप पानी गिरता है। बेटा, अपनी किस्मत से इतना नाराज नहीं होते, किस्मत से लड़ना पड़ता है और जो लड़ता है वही जीतता है। मालूम है? सिर्फ मालूम होने से नहीं होता है, लड़के भी दिखाना पड़ता है। तुम पढ़ लिख कर इतनी बड़ी अफसर बन जाओ कि जिंदगी का ऐसा रास्ता निकालो जिस पे दो पहिया का साइकिल नहीं, चार पहिया का कार दौड़ता हो। अच्छा, पीपी वाला? हाँ, पीपी वाला। पीपी? अरे संजना, गिर जाएगी, गोड्डा फूट जाएगा। हमारी तरफ से 200 की चाल। हमारा 400 का। ये हमारा भी। अब देखते हैं पत्ते। और ये रहे हमारे 3 इक्के। बाजी, हम जीत गए हैं, लाओ पैसे। ये ऐसे कैसे हो गया? हमारे पास भी 2 इक्का है, देखो। तो हम क्या करें? ये गड्डी में 4 इक्का होता है, तुम्हारे पास 3 है, हमारे पास 2 है, 5 हो गया है। तो हमको क्या मालूम कहाँ से हो गया? नहीं तो बेईमानी कर रहे हो। अरे काहे का बेईमानी कर रहे हो? तुमको नहीं मालूम? नहीं, ये बाजी डिसमिस। हाँ, डिसमिस करते हैं। अरे ऐसे कैसे डिसमिस? जब भी हम जीतते हैं तुम लोग बाजी डिसमिस कर देते हो। चलो रूपा, चाय बना दो। बिटिया स्कूल से आ गई है, कब तक खेलते रहेंगे? हाँ, अब बंद भी कीजिए। खेल तो बंद हो गया है भाभी जी, हमें बस आपके हाथ का चाय पीना था, हम बस उसी के लिए बैठे थे। दूध नहीं है घर में? क्या बात कर रही हैं, दूध नहीं है? कोई बात नहीं, आज का चाय ना फिर कल के लिए उधार रहा। चलो। ए, 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 भाई साहब। हाँ। चाय की उधारी ठीक है। हाँ। अभी जो पैसा जीते हैं ना वो दो। हमारा पहले का पैसा तो है ना तुम्हारे ऊपर बकाया। हाँ। तो उसमें से काट लेना। ए, उसमें से कर लेंगे क्या होता है? अरे वो हिसाब अलग है, हिसाब अलग है। अरे तुम दे ही नहीं रहे हो, काट लेना उसी में से। अजीब आदमी है। हमको ना रूपा, तुम पे बड़ा तरस आता है। जमींदार दीनानाथ की बहू होके ऐसा फटीचर जिंदगी जी रही हो। धीरज की बजाय हमसे शादी की होती ना
तो बड़ा हवेली में राज करती। जबान संभाल के बात कीजिए देवर जी। अरे काहे के देवर जी, हमारा रिश्ता गया था तुम्हारे घर, पर तुम्हारे माँ बाप हमारा टांग देख के हमको अड़ंगी दे दी। धीरजवा तो किस्मत से जीत गया, पर हारे तो अभी तक हम भी नहीं हैं। तुम निकलो यहाँ से। अरे रूपा, तुम्हारा यही तेवर तो हमें पसंद आता है, एक बार आजमा कर देखो। स्वाद में धीरज से 21 है। अरे कैसे छोड़ दे तुमको, हम छोड़ मचाएंगे। छोड़ो हमें। मचा। छोड़ो। धीरज जी। धीरज जी। तुम मसाल। इतनी बीबी को क्या है? तेरी इतनी औकात। धीरज जी। हमको मारेगा तू? धीरज जी। छोड़ दीजिए। ये हमारी पत्नी है। इससे पहले रिश्ता मेरा गया था। लेकिन बीबी तो हमारी है ना? धीरज जी। जैसन, अरे छो, धीरज, बस करो, मैं कहता हूँ बस करो, दोनों हटो। भौजी है पहले। चुप, तुम दोनों का फैसला मैं आज ही करूंगा। भाई ही भाई का दुश्मन बनेगा, बाहर वाले क्या सोचेंगे खानदान के बारे में? अरे काहे का खानदान भौजी, दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिए हमको आप लोग, और इनको इनको बता दिए राजा। इसी बात से तो चिढ़ मचती है तुमको हमरा बेटा से, हाँ? हाँ तो काहे नहीं होगा, ये तो आपका सगा लाडला है, हमसे मतलब ही काहे आपको? हम तो ठहरे सोतेले, पहले बाऊजी को ले गई, अब बस। छोटी छोटी बात का पतंगड़ बना देता है तू। पतंगड़ तो आपने हमारा बना दिया है बाऊजी। अम्मा के गुजरते ही पता नहीं कहां से हिडिंबा रानी को ले आए, और ये इनका कुपुत्र हमारी बीबी की इज्जत पे हाथ डालता है, आपको छोटा बात लगता है? आरोप मर्दा पे हम बोले ना, ये उल्टा खुद हमको सिग्नल दी थी, पर हम भी साला बह गए इसके जाल में। बाऊजी, कोई आपके सामने हमें कैसे ऐसे बोल सकता है? ए, ज्यादा शक्तिशाली तेरी मत बन, हमरा बेटा का झूठ बोल रहा है। चुप रहिए बाऊजी, हम बता दे रहे हैं, इनकी जुबान बंद करवा दीजिए, वरना ये दोनों माँ बेटवा का ना ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। बस करो, ये रोज रोज का उठता उड़ देना, कभी बंद नहीं होगा बाबूजी। काहे कि आपने बीजी ऐसा डाल दिया है, हमको हमारा हिस्सा दिया, खत्म कीजिए टंटा। अच्छा, एक घर तो दे दिया, अब कौन सा हिस्सा मांग रहे हो? जमीन, जमीन में हिस्सा चाहिए। और बाबूजी, अगर आपने देर की ना, हमको सब मालूम है कि हमको क्या करना है। 21 बीघा जमीन है हमारे पुरखों का, जिसमें से 11 बीघा जमीन नहर के उस तरफ है, बाकी बची 10 बीघा जमीन दूसरी तरफ। हाँ तो ये जो 10 बीघा जमीन है ना दूसरी तरफ वाली, ये आप रखिए जयचंद के लिए, हमको नहर के पास वाली 11 बीघा जमीन चाहिए बाऊजी। खैरात में आता है क्या 11 बीघा? बाऊजी, हम कह रहे हैं 11 बीघा वाला हिस्सा हमरा है, इसको देना तो 10 बीघा दे दीजिए। बाऊजी, हमको नहर के पास वाली 11 बीघा जमीन ही चाहिए, कहे कि हम पहले से झोपड़ी वाला पुराना मकान लेकर बैठे। हमको चू समझाओ का? चुप करो, अगर तुम दोनों झगड़ा करते रहे ना तो हम तुम दोनों को जायदाद से बेदखल कर देंगे, समझे? देखो भाई, एक न एक भाई को तो गुंजाइश करनी होगी ना, प्यार मोहब्बत से मामला सुलझ जाए ना तो अच्छा है। सुनो, हम तुम लोगों को 3 दिन का वक्त देते हैं, सोच लो और 3 दिन में जवाब दो हमें, फिर हम जो फैसला करेंगे तुम दोनों को मानना पड़ेगा। जाओ यहां से। बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकले हम, पैर फिसला गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम। संजना बेटा, पढ़ाई हो रहा है। बेटा, पापा कहाँ है तुम्हारे? पापा दादा दादी के पास गए हैं। और माँ कहाँ गई है तुम्हारी? माँ भी छोड़ेंगे नहीं, उसको बता रहे हैं। संजना, चलो बेटे। नुक्कड़ कर लोगे? हाँ हाँ। अरे शुरू करें? नहीं यार, मूड नहीं है। नहीं, तुम्हारा हम अभी मूड ठीक करके देते हैं। ये देखो, आज असली चाय लेके आए। इसको दबाओ,
ऐसा करो तुम लोग यहीं रुको, हम कपड़ा बदल के आते हैं फिर भाग में चलते हैं, है ना? रुको यहीं पे। अरे रूपा कपड़े लाओ यार हमारे। सुनिए ना, आप मत जाइए इन लोगों के साथ, ये लोगों का संगति में रहते हैं ना, इसलिए बाबूजी आप पे भरोसा नहीं करते। आप काहे अपना आदत बिगाड़ रहे हैं? कितनी बार बोले ना तुमको, मास्टरनी मत बना करो ज्यादा। आप समझने की कोशिश कीजिए ना, खाली रह कर ना आपको एक ताश का आदत लग गया है। देखिए अगर 10 बीघा जमीन भी मिल रहा है ना तो उसको लेकर खेती बाड़ी शुरू कर दीजिए, छोड़िए ये सब। हम क्यों कम लें जमीन उस जयचंद से, ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो? ओ, कहीं ऐसा तो नहीं 11 बीघा वाला जमीन जयचंद को दिलवाने का इरादा है तुम्हारा? ये आप कहाँ बोल रहे हैं? कहाँ बोल रहे हैं? बोला तो जयचंद था कि तुम सिग्नल दे रही हो उसको, कुछ तो सच्चाई है इसमें लग रहा है। बस कीजिए, आप ये सब सोच भी कैसे सकते हैं? काहे ना सोचे भैया, है आखिर तुम्हारे माँ बाप के पास उसी का तो रिश्ता गया था ना, और बांध दिए तुमको हमारे पल्ले, क्या पता दिली दिली में मोहब्बत चल रही हो। आपके लिए हम अपनी जिंदगी का हर खुशी दांव पे लगा दिए और आप हम ही पे शक कर रहे हैं। अरे धीरज, अरे आ जाओ भाई, लेट हो रहा है। आ रहे हैं, और ज्यादा रोने की ना नौटंकी ना किया करो हमारे सामने, कपड़ा बदलने जा रहे हैं। ये ले मेरा इक्के का जोड़ा। किस्मत खराब ही होती जा रही है, एक को बाजी नहीं जीतते। अरे चंदू भाई, मैंने तो सुना है कि जो मोहब्बत में हारते हैं वो जुए में जरूर जीतते हैं, लेकिन तू तो दोनों जगह हार रहा है। अरे गन्नू भाई, वो मोहब्बत थोड़ी था, वो तो सौतेले भाई का मुआवजा मिला था। सही कह रहा है। काबुल अगर हमारी बीवी के बारे में कुछ बोले ना तो जान लेना तुम। अरे क्या कर रहे हो धीरज भाई, तुम कितना जल्दी गुस्सा में आ जाते हो। सारी बोल दे। अरे वो कहा है ना, हम तुमको थोड़ा गर्म कर रहे थे, साला तुम इतना ठंडा ठंडा खेल रहे थे कि मजा ही नहीं आ रहा था। एक और बाजी हो जाए हा? हो जाए ठीक है। हमारी 500 की चार, हमारी 1000, हमारी 2000 की, हमारी 5000। अरे पहले पैसे तो डाल। कह रहे हैं तो डाल देंगे, बताया तो पैसा खत्म हो गया है। नहीं नहीं भाई, उधारी का दांव नहीं चलेगा, पैसा खत्म समझो तुम्हारा गेम खत्म। पैसा कैसे खत्म है? कह रहे हैं ना डाल देंगे, विश्वास नहीं कहा हम पे। विश्वास कैसे करे, पहले का पैसा दिया तुम हमको। अरे गए तो बाबा दे देंगे, हमारा बाप हमारा हिस्सा हमको देगा, हम तुमको दे देंगे। चल दिया तुझे 5000 रुपए की उधारी, और ये रही मेरी 10000 की चाल। हमारा पैक है, हमारी 15000 की। अरे चंदू लगता मोटे पत्ते आ गए इसके पास। चल कोई नहीं, तुझे हराने के लिए ये मेरी भी 15000 की चाल। 30000 से जो ये लो मेरे पत्ते। देख भाई धीरज, पहले के 50000 और आज के 50000 मिलाकर पूरे 1,00,000 हो गए हैं। आज से तू हमारा 1,00,000 का कर्जदार है, याद रखना। वो भी 1,00,000 हमको चाहिए जल्दी। रात कहाँ हो गया भैया? इसलिए क्योंकि रात हुई है तो रात हो गई है। अबे चलो खेलते हैं और जुआ। अरे इतना खेलोगे, पैसा वैसा भी तो नहीं है तुम्हारे पास। क्या बोल गए? बहुत पैसा है हमारे बाप के पास। ए रूपा भाभी। अरे कोई है घर में? अरे क्या हुआ इनको? अब क्या हुआ? अरे बहुत पी लिए हैं भाभी जी।
आप लोग जाइए, हम संभाल लेंगे इनको। एक ठो बात बोलना था। बोलिए। वो जयचंद ने ना सही नहीं किया आपके साथ, हम होते ना उसका हाथ काट देते धीरज भैया की जगह। अरे उसने आपको हाथ कैसे लगाया? आप लोग जाइए। भाभी हमको भी ना एक कहानी मालूम पड़ा है। क्या मालूम पड़ा है? कि आप ही जयचंद भैया को सिग्नल दी थी। क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ निकलिए आप लोग, निकलिए। अरे नाराज काय हो रही हैं भाभी आप? वैसे हम दोनों भी आपको बहुत कुछ दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। आपका हिम्मत कैसे हुआ हमको छूने का? हाँ निकलिए यहाँ से, और दोबारा यहाँ दिखे ना तो टांग तोड़वा देंगे। निकलिए। देखो कह रहे थे करा ली ना बेइज्जती, और भौजी ऐसी नहीं है, हम कह रहे थे। उदास क्यों? हम तो तुमको रानी बनाकर रखना चाहते हैं। सच? हम ना बहुत मेहनत करना चाहते हैं, और तुम्हारे लिए और संजना के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप हमारी उम्मीद तो नहीं तोड़ेंगे ना? अरे रूपा, अरे रूपा नींबू पानी वानी दो यार, सर दर्द दे रहा है। माँ हम स्कूल जा रहे हैं। अरे इसे गले में पहनते हैं, कितनी बार बोला है हमने। चलो स्कूल जाना, हम लेने आएंगे। ठीक है, बाय पापा। रूपा क्या हुआ? रूपा तुम ना हमको माफ कर दो, कल गुस्से में न जाने का कह गए तुमको। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, हमको उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्क आपकी बातों से पड़ता है कि आप भी हमको गलत समझते हैं। नहीं तुम सही कह रही हो ना, बहुत चिड़चिड़े से हो गए हैं, लेकिन अब नहीं, अब ना मेहनत करेंगे। नौकरी करनी हो, खेती करनी हो, चाहे जो करना हो, और ये सब शराब जुआ सब बंद कर देंगे। हमको तुम्हारे लिए और बिटिया के लिए कुछ करना है यार। आप अपना भला सोचेंगे ना तो हम सबका भला खुदा ही हो जाएगा। हम सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। अच्छा सुनो, एक वो नया शुरुआत करने को सोचे हैं, उसमें हमें मदद करोगी? हाँ आप बोले ना। कहा है ना कि ये मंगलसूत्र हमको दे दो, हाथ में पैसा नहीं है, इसको गिरवी रख के थोड़ा पैसा वैसा आ जाएगा तो हम कुछ कर। हमारा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़िए। अब ई के लिए हमसे अभी इतना अच्छा अच्छा बात किए? अरे नहीं नहीं नहीं, हमको समझ नहीं पा रही, तुम हमारी बात समझो। हमारा जैसे हिस्सा मिल जाएगा तुम्हारा मंगलसूत्र भी छुड़वा लाएंगे, और तुमको ना एक बाली अलग से देंगे सोने की। नहीं, हम आपका फितरत ना बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका ये जुआ का फितूर में ना आप पहले हमारा सारा गहना बेच चुके हैं, हम ये नहीं देंगे।
ऐसा बात नहीं है रूपा, हम आपको अपना मंगलसूत्र नहीं देंगे। मतलब प्यार से समझा रहे तो समझ में नहीं आ रहा है। हम कह दिए ना, नहीं मिलेगा आपका मंगलसूत्र। अच्छा तो हम ले लेंगे। छोड़िए, ये हमारा निशानी है ना, हमारे काम नहीं आएगा किसके काम आएगा? हमारा मंगलसूत्र वापस गया। प्यार से बात समझ में नहीं आता है। चला मंगलसूत्र भी ले लिया और पैसा दिया 30,000। 30 का 60 बनाएंगे आज इसको। अबे बड़ा पैसा है बे तुम्हारे पास, कहाँ हाथ मारा? दे हमारा 1,00,000 रुपए दे। अबे छोड़ना। अरे पैसा नहीं। अरे ए ए उठा, गुंडा ये पैसा दो हमारा। गुंडाई हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमको हमारा पैसा चाहिए। हट, चलो हट। हमारे भैया को हाथ कैसे लगाया? तुम्हारे भैया से 1,00,000 रुपया लेना है हमको, पूछो इनसे। हाँ हमारा कर्जदार है तुम्हारा भैया, पूछ लो। क्या भैया आप कर्जे में? तुम्हारा मुझसे बड़ा भैया भैया शायद नजर आ रहा है। भैया भैया मत बोलना हमको। अरे बाबूजी तो बोले थे प्यार मोहब्बत से बंटवारा करना है। ए, बहुत हो गया तुम लोगों का भरत मिलाप। हमको हमारा 1,00,000 रुपया अभी के अभी चाहिए, ये तो जाकर तुम्हारे बाबूजी से ले लेंगे। चल चल तू। ए, ए, रुक रुक भैया, इनको रोकना पड़ेगा। अगर बाबूजी को पता चल गया ना कि आप 1,00,000 रुपए जुए में हारे हैं तो जमीन तो पक्का गई आपके हाथ। तो हमको इससे कहा, हमको हमारा 1,00,000 रुपया चाहिए। इन लोगों को रोकने का एक इलाज है हमारे पास। का इलाज? इन लोगों के पैसे तो हम दे देंगे पर बदले में आपको हमारा एक शर्त मानना पड़ेगा। कैसी शर्त? देख धीरज, पैसा तो इन लोगों को मैं दे दूंगा लेकिन तुझे इस नोटरी पेपर पे साइन करना होगा। ए, चल साला गुलमाल करेगा हमसे है? तू समझा हमको? अबे चू तो तब ही हो जाएगा जब तेरे हाथ से जमीन जाएगा। और इस पे तो बस इतना लिखा है कि तू खुशी से 11 बीघा जमीन हमको दे रहा है और 10 बीघा जमीन खुद रख रहा है। बकवास बंद कर। वही 11 बीघा जमीन तो हम लेंगे ही लेंगे, और अगर हमारा बाप भी हमारा हक मारने का कोशिश किया ना तो उसकी गर्दन तो काटेंगे ही काटेंगे, साथ में तोरी गर्दन भी काट देंगे। हमारा गला काटेगा? अरे अभी काट देंगे तुमको। अभी काट दिए ना तो पूरा 21 बीघा हमारा हो जाएगा। देख जयचंद, इसको मारना है ना मार दे, हम कोर्ट में गवाही भी नहीं देंगे लेकिन हमको हमारा 1,00,000 रुपया अभी मिल जाना चाहिए। ए, बकवास बंद करो। साला तुम लोग हमारे दोस्त हो के उसके साइड हो गए हो? वे जब जुआ ही किसी का नहीं हुआ तो जुआरी किसके होंगे? देखो अगर बाबूजी को पता चला ना कि तुम हमको मारे हो तो जमीन तो बेटा तुमको भी नहीं मिलेगी। साला काट तो हम अपने बाप को भी दें लेकिन जेल कचहरी के चक्कर में कौन पड़े? प्यार मोहब्बत से समझा रहे हैं, समझ जा। जोर जबरदस्ती करके प्यार मोहब्बत का बात करता है, जब मर्द का बच्चा है तो आना अखाड़े में अकेले। साला तेरा यही प्रॉब्लम है, हर वक्त मारपीट की बात। अरे मारपीट के अखाड़े से अच्छा तो जुए का भी साथ है। मतलब कहना कचा था? मतलब ये कि तुझे अपनी किस्मत पे भरोसा है तो चल लगा दो, अगर तू जीता तो मैं साइन करूंगा और इनका 1,00,000 रुपए भी दूंगा, और मैं जीता तो तू साइन करेगा। बोल मंजूर है तो कर ले बंटवारा जुए की बिसात पर, क्यों सही है ना? हाँ। देख धीरज, 52 पत्तों का बवाल खेल, तेरी मेरी किस्मत में 3-3 पत्ते, जर जोरू जमीन, चल देखते हैं किसकी। शोकर तू भी करना, ये रहा मेरा अट्ठा, ये रहा मेरा बादशाह, ये दूसर का भी अट्ठा, ये रहा मेरी बेगम, और ये रही बेगम, और ये रहा मेरा गुलाम, और साथ में कलर भी। देखा धीरज, असल में रूपा की मोहब्बत में मैं ही हारा था, तभी जुए में जीत गया। और वो शेर भी तो है ना, इश्क में हारा जुआ हमेशा जीतता है। अब ये 11 बीघा जमीन हुई मेरी, चल साइन कर। मुसीबतें न्योता देकर नहीं आती,
लेकिन ये मुसीबत नहीं तूफान था, जिसमें एक औरत की अस्मिता दाव पे लगी थी। ये औरत रूपा, उसकी लाचार जिंदगी का ऐसा खूनी खेल था जिसके विसात पे लालच के पासे लुढ़क रहे थे, और रूपा को एहसास तक नहीं हुआ कि इन पासों पे लिपट कर उसकी जिंदगी एक जुआ बन जाएगी। जुआ एक ऐसा गंदा खेल है, एक ऐसी लत है जिसमें अपराध अपने चरम पर होता है, और यहां पे भी था। एक मौका देने वाली कहानी का एक ऐसा क्लाइमेक्स जिसकी सच्चाई रंगीनियां खड़े करने वाली थी। ये इंसानी फितरत का एक ऐसा डरावना फितूर था जिसमें जिंदगी अपना अस्तित्व खो रही थी। आखिर ये सब कहां से शुरू हुआ? आखिर रूपा की जिंदगी ने कौन सा दर्दनाक मोड़ दिया? इसे समझने के लिए बने रही हमारे साथ, अभी लौटता हूं। धीरज, तुझमें इतना दरिया दिली कैसे आ गया जो तू जयचंद को पूरी की पूरी 21 बीघा जमीन देने को राजी हो गया? क्या बोल रहे बाबूजी, ये तो हमसे लिखवाया था कि 11 बीघा इसको मिलेगा, 10 बीघा हमको। अरे भैया, आप कंफ्यूज हो गए क्या फिर से? अरे कंफ्यूज के बच्चे, क्या खिचड़ी पका रहे? बाबूजी बहुत कमीना इंसान, हमको धोखा दिया। झूठ काहे बोल रहे हो भैया? और बाबूजी आप ही तो बोले थे प्यार मोहब्बत से बंटवारा करने को, तो हो गया बंटवारा। हो तो इसको बंटवारा कहते हैं? पूरे के पूरे 21 बीघा जमीन तू हड़प जाएगा तो फिर इसको क्या मिलेगा? बाबूजी 10 लाख। 10 लाख? हाँ बाबूजी 10 लाख। धीरज भैया के सर पे कर्जा है 10 लाख का, वो हम चुकाएंगे। 10 लाख का कर्जा? ए कैसा 10 लाख? एक लाख है, एक लाख। एक लाख नहीं 10 लाख है, लो लेनदारों को। सोच लो, बाबूजी को बता दूं किस बात का खर्चा है? कभी ने तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम बता दे। क्या कर रहे? छोड़ छोड़। बाबूजी हम बताते हैं किस बात का खर्चा है इन पे। ये गन्नू और चंदू से 10 लाख रुपए जुए में हार गए हैं, और वही हम देंगे, और उसी बात का 21 बीघा हमारे नाम कर रहे हैं ये कमीने। हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अरे अरे क्या? अरे मेरे बच्चे को मार दिया, खून खून आ रहा है मेरे बच्चे को। क्या किया आपने? अरे मेरे बच्चे। क्या तू बाबूजी धोखा दिया हमको? तो क्या जान ले लेगा उसकी? अरे हमारी बात तो सुनिए बाबूजी। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं सुनेंगे। अब हम सब समझ गए, तू पुरखों की 21 बीघा जमीन को भी जुए में हार जाएगा। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे, छुहारी करेगा। आओ ले जाए। लेकिन बाबूजी हमको हमारा हिस्सा चाहिए। दूर हो जाओ मेरी निगाह। चलिए उसको अच्छा बेवकूफ बना दिए हमने। एक लाख रुपया मिल जाए। बेवकूफ दिखता भी है सारा, बेवकूफ है भी। चलो धीरज जवाब का आवाज लगावे। दोस्ती के नाम पर गद्दारी। अरे काला है, मार डालो मत दोनों को। अरे रुक, भागता कहां है? जयचंद भाई, अरे बचाओ। जयचंद भाई बचाओ। क्या बवाल कर दिया इसके साथ? गनुआ चंदुआ साले दोनों मरेगा तू लोग। अच्छा हुआ तू भी मिल गया साथ में, तीनों को मारेंगे आज। साले काहे मारे इनको, अगला क्या क्या अगला गए। अच्छा हुआ तू मिल गया, तूने हमारा जिंदगी और बात किया है ना, तुमको भी मारेगा। गन्नू चंदू पकड़ साले को। हमको मारेगा साले? तुझे पहले ही खत्म कर देना था, टंटा ही खत्म हो जाता। काटेंगे तो हम तुमको, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की हो। जयचंद साले अब तू गया, तू हमको मार देगा ना, जेल चला जाएगा, फिर तेरी 21 बीघा जमीन का सुख कौन लेगा? बोल। साला खुद ही मान गया कि वो 21 बीघा जमीन हमारी है, लेकिन तू खुद हारा था हमसे। चल था,
छल गया था तुम। अरे इतना घमंड है ना अपनी किस्मत पर, तो एक दांव और लगा ले। एक दांव? तेरे पास बचा क्या है दांव लगाने को? बहुत बड़ा दांव बचा है, बहुत बड़ा दांव, जिसके लिए तू अपनी पूरी 21 बीघा जमीन दांव पे लगा देगा। ऐसा क्या दांव है तेरे पास? रूपा, हाँ, हम ये 21 बीघा जमीन के लिए अपनी बीवी रूपा को भी दांव पे लगा सकते हैं। क्या बग्या बे? बकवास नहीं, सही कह रहा हूँ। बहुत पसंद है ना रूपा तुमको? हैं? अरे दोनों भी दीवाने हैं ना इसके? हाँ। तो अब लगा दांव। अगर तुम जीते ना, तो रूपा और जमीन दोनों तुम्हारी। और अगर हम जीत गए, तो पूरी पूरी 21 बीघा जमीन हमारी। खेल लो भैया, खेल लो, हम हैं आपके साथ। हाँ भैया, चल मंजूर है। अब तो रूपा मेरी। ये मंगलसूत्र है, अभी सोने का हो या धागे का, है तो सुहाग के निशानी ना। तुम्हारे पापा भी थोड़ा भटक गए हैं, लेकिन जैसे भी हैं, है तो हमरे, हम उनकी ना सारी कमी को दूर कर देंगे। हारेंगे नहीं कभी हम। तुम कहाँ चली है बस्ता लेकर? हम आंगन में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जाओ। जयचंद, इस बार हम हारने वाले नहीं। रूपा को दांव पर लगा के तुमसे पूरी पूरी 21 बीघा जमीन जीतने वाले हैं। लेकिन धीरज, हम ये दांव रूपा के लिए खेल रहे हैं। रूपा ने हमें ठुकराया था, आज रूपा को तुमसे जीतेंगे चूमे के बिसात में। अबे गन्नू, हाँ, ये तो महाभारत का धारावाहिक हो गया बे। हाँ बे, सही कह रहा है, वहां पासे थे यहाँ पत्ते हैं। सही कहा इसने, 52 पत्तों का ये खेल आज रूपा की और मेरी दोनों ही किस्मत बदलेगा। और याद रखना, इस बार किस्मत का रंग जुदा होगा। लेकिन धीरज, तू तो जानता है किस्मत का सिकंदर मैं हूं। 52 पत्तों का बवाल खेल और हमारी किस्मत के 3-3 पत्ते जर, जोरू और जमीन। चल देखें किसकी है। कहा था ना हमने किस्मत का रंग बदल देंगे? लेकिन मैंने भी कहा था किस्मत का सिकंदर मैं हूं। शोकर, कहा था ना रंग बदल गया। और मैंने भी कहा था ना तेरी बेगम मेरी हुई। गन्नू चंदू, हाँ। क्या बोला था? महाभारत तो जाओ मेरे दुस्ताशनो, बाल पकड़कर खींच लाओ द्रौपदी यानी मेरी रूपा को। जो आज्ञा महाराज, भी लेकर आते हैं। चल वे। दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, दुर्योधन वो भी ना दे सका, आशीष समाज की ले ना सका।
क्या हुआ माँ? वो बहुत रात हो गई है, तुम्हारे पापा नहीं आए अभी तक, तो चिंता हो रही थी। माँ हम बाजार जाके देख के आए। अरे नहीं नहीं, देखो बहुत रात हो गई है ना, तुम अंदर चल के पढ़ाई करो, ठीक है? लाओ तुम्हारा बस्ता दो हमको। हम ना तुम्हारे पापा को देख कर आते हैं, तुम घर से बाहर मत जाना, ठीक है? तुम दोनों जुए को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाले कई किस्से कहानियां हमने सुनी होगी, महाभारत के चौपाल से लेकर अवध की शतरंज और दिल्ली की कबूतर कबूतरबाजी तक, बड़े बड़े कसीनो से लेकर चौराहों पर बिखरती तीन पत्ती का खेल। हर दौर में ये जुआ यही हकीकत बयान करता है कि जुआ ना किसी का हुआ है ना कभी होगा। इंसान और परिवार क्या जुए की भेंट तो बड़े बड़े साम्राज्य चढ़ गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, रास्ते पर भीख मांगने लगे हैं। तो क्या यहाँ भी वही इतिहास दोहराने वाला था? हाँ, ये केस ये एक नया इतिहास लिखने वाला था। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, अभी लौट रहा हूँ क्राइम फाइल्स पर। अंदर कैसे आ रहे हो तुम लोग? हाँ निकलो यहाँ से। हमको तू अपनी जिंदगी से अब कभी नहीं निकाल पाएगी रूपा। मेरा हाथ छोड़ो। तुझ पर ना हमारा पूरा हक है, चल तेरी बर्बादी का न्योता लेकर आए हैं। हाथ कैसे लगाए तुम हमको? निकलो निकलो यहाँ से। इश्क जंग और जुए में सब जायज होता है रूपा रानी, कैसे निकल जाए? आज तो मोहब्बत के भी साथ पे नफरत की बाजी लगी है रूपा। अरे चंदू पकड़ इसको पीछे से। ये हमको छोड़ो छोड़ो, तुम सोच हमने पास में डाला, छोड़ो मत। फड़फड़ा रही है ये, तो बचने वाली नहीं है। और बिल्ली शेर को काटेगी, तेरा तो चटवा ही दबा दूंगा मैं। छोड़ो, हम तुम्हारे साथ कुछ भी करेंगे, तुम मेरी जागीर है। अरे यार क्या बताऊं, वही पुराना राग। वो दोनों बेटे हैं ना मेरे, आपस में झगड़ते रहते हैं। हाँ यार वही पुरखों की जो प्रॉपर्टी है ना 21 बीघा जमीन, अरे तेरी नहीं सुनेंगे यार। एक मिनट में तुझसे बाद में बात करता हूँ। संजना दादाजी। क्या हुआ बेटा? वो माँ को मार देंगे। कौन कौन माँ को मार देगा बेटा? छोड़ो, वो दो आदमी बड़े गंदे, पापा भी घर पे नहीं आए, माँ को बचा लो। जल्दी चलो। अच्छा अच्छा, कितना चिल्ला रही है। रूपा रूपा, क्या हुआ तुमको? हमने कर दिया, करके नहीं कोई मार के उसको। हम सब सही कर देंगे, हम कह रहे हैं ना, सब सवाल लेंगे। धीरज आओ, क्या हुआ? तो ठीक तो है ना? कौन परेशान किया बहू को? कोई तो नहीं, पर संजना तो बोल रही थी कि कोई दो आदमी बहू को। अरे कौन दो आदमी, हम तो अभी कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रही रूपा। क्यों रूपा? हाँ बाबू जी, ऐसा कुछ नहीं है। पर बाबा वो आदमी माँ को। अरे संजना ना मजाक कर रही होगी। बेटा संजना, हम दादाजी हैं तुम्हारे, तुम्हें हमसे मस्करी नहीं करनी चाहिए थी ना। दरअसल बाबूजी,
क्या हुआ कि दोपहर में गुस्से गुस्से में आप बोल दिए ना कि हमसे नाता नहीं रखेंगे, तो हमको लग रहा है कि आप लोगों को यहाँ बुलाने के लिए ऐसा मजाक की होगी। देख, हमने तेरा कभी बुरा नहीं चाहा, लेकिन तू हमेशा हमको और जयचंद को कोसते रहता है, यहाँ तक कि तूने उसका सर भी फोड़ दिया, वो भी हम भूल गए। चाहे संजना ने हमारे साथ मस्करी किया हो, लेकिन बहू को खतरे में जानते हुए दौड़ते चले आए हम। लेकिन हम अभी भी कुछ नहीं भूले हैं। दो दो बेटों के होते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा कोई औलाद ही नहीं है। बाबूजी, आप ऐसा काहे को बोल रहे हैं? बस बस, अब हमें और बात नहीं करना। बेटा संजना, हम तुम्हारे दादाजी हैं, तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुमको हमसे मस्करी नहीं करनी चाहती बेटा। संजना, तुम ऐसा करो ना, आज तुम दादाजी के साथ जाओ और वहां खूब खेलना। ना बेटा, हम कह रहे हैं ना, जाओ। संजना बेटा, अच्छा हमारे साथ आना, हाँ? ओ, अपना ख्याल रखना। हाँ अच्छा बेटा, चल। हम सब ठीक कर देंगे, है ना? धीरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ रूपा, हम कहाँ से कहाँ किस्मत मोड़ खाई हमारी, पर देख आखिरकार तुझे जुए में जीत ही लिया ना हमने। जुए में? पूछ अपने पति से। धीरज जी, ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? धीरज जी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। सही कह रहा है, हम हार गए तुमको जुए में, अब तुम इसकी हो। धीरज जी, धीरज जी, आप क्या बोल रहे हैं? अभी काला धागा को मंगलसूत्र से मच के अपने गले में रखे, अपना सोना का मंगलसूत्र भी भूल गए, और आप पिता की नौना काम करती है, अब ऐसा कहेंगे? धीरज जी छोड़ो, घिनौना, सबसे ज्यादा घिनौनी तो तुम हो, खूनी हो तुम। हे जयचंद, जो करना जल्दी से कर, हम बाहर हैं। धीरज जी, धीरज जी, हमारे पास बताना, हम कह रहे हैं हमारे पास बताना। देख रूपा, अब हमें ही है जो तुमको बचा सकते हैं, और इसका लाज भी ठिकाने लगा देंगे। बस एक बार हमारी हो जाओ। हमको हाथ कैसे लगाए तुम? हाथ कैसे लगाए तुम हमको? हमको मारेगी तो? ए गन्नो, साड़ी खींच इसका, चीर हरण कर इसका, देखते हैं इस कलयुग में कौन सा ऊपर वाला बचाने आता है इसको। खींच साड़ी। ठीक है भैया। आना मत अपने पास। दादाजी। हाँ बेटा, क्या हुआ? माँ के साथ कुछ गलत होने वाला है, आप प्लीज वहाँ वापस चलिए। क्या किए, पागल हो गए क्या? वो ऐसे नहीं मान।
की तुम पीछे हटो। अरेस्ट कर लो उसे और अंदर चेक करो कहीं कोई बॉडी तो नहीं पड़ी है। देख लीजिए बाबूजी, आपके दोनों बेटों ने हमारा कहर कर दिया। आपकी बहू का सारा इज्जत लाज शर्म सब खोल के रख दिया। अब आप भी हमको बिना पर्दे के देख ही लीजिए। सब जानते थे ना आप लोग, फिर भी अंधे बने रहे। अपने बेटों की कमी जानते थे ना, इसका भुगतान कौन करेगा बताइए। अपनी बेटी संजना, अब इसका क्या होगा बताइए। बाबू जवाब दीजिए। कहानी सिर्फ एक रूपा की नहीं है, हमारे समाज में आए दिन रूपा जैसी अनगिनत महिलाओं के साथ बहुत सारी ज्यादती होती है। इसे देखकर भी लोग अनदेखा कर देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये पट्टी शायद हमारे पूरे समाज की आंखों पर बंधी? पुलिस बल कम है 140 करोड़ की आबादी के हिसाब से, तो हम लोगों को तो भी निकलना होगा। मनुष्य कहलाएंगे, पुरुषार्थ तो दिखाना होगा, तभी पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएंगे। भगवान राम तो कहलाते थे ना मर्यादा पुरुषोत्तम, क्यों? पुरुषों में उत्तम, वरना आने वाले समय में नासूर बनकर हमें ही ले डूबेगा ये जो कुछ भी हो रहा है। इसी विचारधारा के साथ मैं आपका रवि किशन आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि क्राइम फाइल्स का अगला एपिसोड होगा और भी चौंकाने वाला। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम इशारा।